कोरोना के खिलाफ ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण की प्रक्रिया 16 जनवरी से जिले में शुरू होगी। जिले में लगभग 12,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का पंजीकरण किया गया है और इन सभी का 15 स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा। इस संबंध में एक समीक्षा बैठक आज जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर रविन्द्र ठाकरे द्वारा आयोजित की गई। कलेक्टर के साथ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेस्कर, स्वास्थ्य उप निदेशक डॉक्टर संजय जायसवाल, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सिलोकर, जिला सर्जन दीपक थेते सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेस्कर ने इस दौरान प्रत्येक विभाग द्वारा की जाने वाली देखभाल पर मार्गदर्शन दिया। इसमें 16 जनवरी से शुरू होने वाले स्वास्थ्य कार्यालयों के टीकाकरण के बाद शुरू होने वाले नागरिकों के टीकाकरण पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि यद्यपि जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था टीकाकरण के वास्तविक कार्य को अंजाम देगी, दूसरी एजेंसियां भी इस अवधि के दौरान अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगी। इससे पहले जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे ने स्पष्ट किया कि जिले में सरकारी और निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में काम करने वाले कर्मचारियों को 16 दिन के टीकाकरण का लाभ मिलेगा। एक सत्र में 100 कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा और लगभग 12,000 कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। वर्तमान में 11,645 कर्मचारी कोविड पोर्टल पर पंजीकृत है, इसलिए टीकाकरण स्थलों का निर्धारण वैक्सीनेटरों और वैक्सीनेटरों की पूर्ण प्रणाली, टीकाकरण के लिए सहायक उपाय, टीकाकरण की अवधि की स्थिति, शीतकालीन प्रक्रिया में बिजली का उचित और सुरक्षित उपयोग, टीकाकरण अभियान के बाद लागू होने वाले सामान्य टीकाकरण योजना के लिए व्यक्तियों को रिकॉर्ड करने और स्वाप करने की आवश्यकता है, तैयारी पर भी आज चर्चा हुई। टीकाकरण सभी 10 ग्रामीण अस्पतालों, 2 जिला अस्पतालों, बोरखेड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गोनखिरी और सावनेर में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्रों में किया जाएगा। जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान को नियंत्रित करेंगे। इसके अलावा नगर निगम द्वारा नागपुर शहर के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए अभियान 16 जनवरी से अलग से लागू किया जाएगा। आज जिलाधिकारी कार्यालय मध्ये माननीय जिल्हाधिकारी नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली कोविड लसीकरणासाठी जी जिल्हास्तरीय समिती आहे त्यांची सभा घेण्यात आली। त्यामध्ये सर्व तालुक्यातील देखील जे अधिकारी आहेत, जे तालुकास्तरीय समितीचे सदस्य आहेत, त्यांना VC द्वारे जॉईन करून घेण्यात आलं होतं। दिनांक 16 जानेवारी रोजी नागपूर जिल्ह्यामध्ये लसीकरणाचा जो प्रारंभ होणार आहे त्या दृष्टीनं सविस्तर नियोजन आणि आढावा या सभेमध्ये घेण्यात आला। 14 वेगवेगळ्या लसीकरणासाठी साईट्स नागपूर ग्रामीण भागातील निश्चित करण्यात आलेले आहेत। एका लसीकरण साईटवर एका दिवशी 100 व्यक्तींना लस दिली जाईल। पहिल्या फेजमध्ये जे आपले शासकीय आणि खाजगी वैद्यकीय संस्थांमधील डॉक्टर, नर्सेस, इतर कर्मचारी आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना लस दिली जाणार आहे। त्यासाठी आधीच अशा कर्मचाऱ्यांची यादी तयार केली गेली असून केंद्र शासनातर्फे तयार केलेल्या कोविन पोर्टलवर ती यादी अपलोड केली आहे। त्या आधारावरच हे लसीकरणाचं काम केलं जाणार आहे। याकरिता आवश्यक ते सर्व ट्रेनिंग आधीच आपण आपल्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना दिलेलं आहे। लसीकरणाकरिता ज्या प्रकारे लॉजिस्टिक्स आणि इतर नियोजन लागणार आहे त्याचा सविस्तर आढावा घेतला गेला। 12,000 विविध वैद्यकीय कर्मचारी आणि डॉक्टर्स यांची यादी पोर्टलवर अपलोड केली आहे। हा नागपूर ग्रामीण विभागातला आकडा आहे 12,000। तर सर्व 14 साईट्सवर त्यांना एका दिवशी 100 लाभार्थी या पद्धतीने लसीकरणासाठी बोलवलं जाणार आहे। यामध्ये आपण शासकीय संस्थांच्या व्यतिरिक्त ज्या विविध सामाजिक संस्था आहेत आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशन आहे अशा बाकी संस्थांना देखील सहभागी करून घेत आहोत आणि या दृष्टिकोनातून वेळोवेळी जनतेला जी आवश्यक आहे ती माहिती देखील आपण पुरवणार आहोत। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे, BC News नागपुर।